एवरीवन, विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, क्या उनका फंक्शंस है और किस तरीके से ये काम करता है। टीएस डायग्राम भी आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा, लेकिन सीओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो देखते हैं, समझते हैं इसे। देखिए, ये है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर चार कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कंप्रेशर, दिस इज द कंप्रेशर। द सेकंड वन इज कंडेंसर, दिस इज द कंडेंसर। द थर्ड वन इज एक्सपेंशन वाल्व और थ्रोटलिंग वाल्व भी इसे बोलते हैं। द फोर्थ वन इज एवेपोरेटर। तो चार कंपोनेंट हमने देखे इसमें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट हो, ऐसी प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है आइसेंथालपिक प्रोसेस। आइसेंथालपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंथालपी कांस्टेंट होता है, एंथालपी को एच से डिनोट करते हैं। आइसेंथालपिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एंथालपी कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं इसमें। मैं आपको सबसे पहले एक फ्रिज के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, इस इमेज के अंदर आपको एक फ्रिज दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक कंप्रेशर लगा हुआ है, ये कंप्रेशर, इसको हम इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर से कनेक्ट होता है। इसका मतलब हम इसे कुछ वर्क इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मैंने बताया था, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, और जब रेफ्रिजरेंट इसके अंदर कंप्रेस होगा तो आप सब लोग जानते हो कि कंप्रेस जब होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के बाद कंडेंसर के अंदर जाएगा उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा जो है रेफ्रिजरेंट किसके अंदर एंटर करेगा, कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर, ये कोयल लगी हुई है, कंडेंसर कोयल इसमें से पास होगा, ठीक है। तो जब इसमें से पास होगा कंडेंसर के अंदर, तो कंडेंसर क्या करेगा, जो गर्म रेफ्रिजरेंट है उसकी सारी हीट को रिमूव करेगा, हीट को रिमूव करेगा या रिजेक्ट करेगा हीट को, ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा और हीट रिजेक्शन होगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये हीट रिजेक्ट, QH, Q से डिनोट करते हैं हीट को, तो ये हीट रिमूव कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिमूव हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट और हीट रिमूव हो रहा है। इसके बाद थ्रोटलिंग एक्सपेंशन होता है। थ्रोटलिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, कंप्रेसर के बाद जस्ट बाद लगा होता है। थ्रोटलिंग एक्सपेंशन में क्या होगा कि एंथालपी जो है कांस्टेंट रहेगी, एंथालपी कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और एंट्रोपी भी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा ये जो है, ये एवेपोरेटर जहाँ पे हम फ्रिज जमाते हैं यहाँ पे ठंडा होता है। ठंडा होने का मतलब हम उसकी सारी हीट, उस बॉक्स के अंदर जितनी भी हीट है उसको रिमूव कर रहे हैं या एब्जॉर्व कर रहे हैं उसकी। तो वो जो इसके अंदर हीट प्रेजेंट है वो एब्जॉर्व कैसे होगी, वो एब्जॉर्व करेगा हमारा एवेपोरेटर। एवेपोरेटर यहाँ कहीं लगा होता है। एवेपोरेटर क्या करेगा, सारी हीट को एब्जॉर्व कर लेगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन होगा। आइए दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर में वर्क इनपुट देते हैं, देखिए वर्क इनपुट दे रहा है ये W इनपुट। कंडेंसर मैंने बताया था हीट को रिजेक्ट करता है, ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है, देखिए Q, ये एब्जॉर्व कर रहा है हीट को, देखिए यहाँ बॉक्स है, उस बॉक्स से क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है वेपोरेटर। जो ये है एक्सपेंशन और थ्रोटलिंग वाल्व, यहाँ पे एंथालपी कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो देखिए प्रोसेस क्या हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट टू सेकंड कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और सेकंड टू थर्ड, ये थर्ड, सेकंड टू थर्ड हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, थर्ड टू फोर्थ में क्या हो रहा है, आइसेंथालपिक एक्सपेंशन, आइसेंथालपिक मीन्स एंथालपी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और फोर टू वन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्व हो रहा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये प्रोसेस होती है, आइए देखते हैं। ये TS डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं, जिसमें देखिए दिस इज एवेपोरेटर, दिस इज कंप्रेसर, दिस इज थ्रोटलिंग वाल्व एंड दिस इज कंडेंसर। कंप्रेसर से देखिए, कंप्रेसर में ये कंप्रेस हो रहा है रेफ्रिजरेंट, ये कंप्रेस हो रहा है तो इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, कंप्रेस होने पे प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब ये देखिए रेड, रेड मींस हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इसमें जा रहा है, इसमें जाने के बाद ये इसका हीट को रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ठंडा कर रहा है, ठंडा करने के बाद रिसीवर में जा रहा है, इसके बाद ये थ्रोटलिंग वाल्व में जा रहा है, थ्रोटलिंग वाल्व में एंथालपी कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर ड्रॉप होगा, लेकिन इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा। इसके बाद एवेपोरेटर में जा रहा है, एवेपोरेटर क्या करेगा, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब देखिए एक और वीडियो देख लीजिए, दिस इज द एवेपोरेटर, दिस इज अब्जॉर्बिंग हीट, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर इसके अंदर जा रहा है, कंप्रेसर के अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, वो कंडेंसर में जा रहा है, कंडेंसर इसकी हीट को रिमूव कर रहा है, और फिर ये थ्रोटलिंग वाल्व में यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, और फिर जो लिक्विड वेपर है ये एवेपोरेटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा, अब TS डायग्राम को समझते हैं, TS डायग्राम में क्या है, देखिए ये टेम्परेचर है, ये एंट्रोपी है, टेम्परेचर इसमें देखिए वन टू टू मैंने बताया था कौन सा प्रोसेस है, देखिए ये प्रोसेस देख लीजिए, पहले वन टू टू प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, टू टू थ्री इज कॉन्स्टेंट रिजेक्शन इन कंडेंसर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा, और थ्री टू फोर थ्रोटलिंग इन एन एक्सपेंशन वाल्व, जहाँ पे एंथालपी कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद फोर टू वन एवेपोरेटर में क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर रहेगा लेकिन हीट एब्जॉर्व करेगा, मतलब हीट ऐड होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी चार प्रोसेस थी, ये चार प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ठीक है। और अब ये TS डायग्राम को हम समझेंगे, ये रहा रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देखिए ये रहा, इसमें ये कंप्रेस करेगा, इसे पिस्टन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो इसमें हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और फिर ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर टेम्परेचर बढ़ गया है, इसका टेम्परेचर को कम करने के लिए कंडेंसर इससे हीट निकालेगा, हीट रिजेक्ट करेगा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व में जाएगी, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा और प्रेशर ड्रॉप लेकिन एंथालपी कॉन्स्टेंट रहेगी, एच कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर ये जो है यहाँ से
प्रेशर, कम प्रेशर एवेपरेटर में जाएगा, एवेपरेटर क्या करेगा, हीट एब्जॉर्व करेगा, यहाँ जहाँ हमें ठंडा करना है, ये देखिए एक कूल कोल्ड रेफ्रिजरेटर स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ से हीट एब्जॉर्व करेगा, हीट एब्जॉर्व करके फिर वो कंप्रेसर में जाएगा, तो ये प्रोसेस साइकिल होती है। इसके बाद देखिए ये टीएस डायग्राम, इस टीएस डायग्राम में देखिए ये वन टू टू यहाँ वन पे देखिए टेम्परेचर कितना है T1, और फिर 1 to 2 कंप्रेसर में है, कंप्रेसर में टेम्परेचर बढ़ेगा, कंप्रेसर को हम इलेक्ट्रिकल पावर से कनेक्ट करते हैं तो डब्ल्यू इन, इसलिए इसको कुछ वर्क दे रहे हैं। अब 1 to 2 प्रोसेस कंप्रेसर में होगी, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब देखिए 2 पे टेम्परेचर कितना हो गया, यहाँ T2 हो गया, T2 इज मोर, T1 इज लेस, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब यहाँ जाएगी, अब ये किस में जाएगा, कंडेंसर में, कंडेंसर देखो हीट रिमूव कर रहा है, हीट रिजेक्ट, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज दिस, टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट प्रेशर लाइन ये होगी, इस ग्राफ के अंदर ऐसे रहेगी और बाहर ऐसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये 3 to 4 यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, टेम्परेचर देखिए ड्रॉप हो रहा है, यहाँ यहाँ पे टेम्परेचर T3 था, यहाँ टेम्परेचर जो है T4 हो गया, टेम्परेचर यहाँ से यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 to 1 हीट एब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, लगभग प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, कांस्टेंट प्रेशर लाइन्स आर दिस अंडर द कर्व, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये क्यों, ये टी एस डाइग्राम है। इसके बाद मैं COP कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।